आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई। आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर दिल्ली की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए बीजेपी को निशाने पर लिया है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि इस वक्त देश में बीजेपी अराजकता का माहौल बनाकर लोगों में दहशत पैदा करना चाहती है। सरेआम बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर मारपीट कर रहे हैं और दंगाइयों के खिलाफ पुलिस भी कार्रवाई नहीं कर रही। दिल्ली में कानून व्यवस्था को लेकर हमेशा से ही सवाल उठते रहे हैं। दिल्ली पुलिस अपनी सालाना रिपोर्ट में कहती है कि दिल्ली में पिछले साल के मुकाबले अपराध कम हुआ है, तो राजनीतिक दल कहते हैं कि दिल्ली में लगातार क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है। आम आदमी पार्टी के विधायक ने भी एक मारपीट का वीडियो दिखाते हुए बीजेपी पर आरोप लगाए कि सड़क पर एक बुजुर्ग को जो शख्स पीट रहा है वो बीजेपी का नेता है। आम आदमी पार्टी के मुताबिक मारपीट करने वाले बीजेपी के नेता सूरजभान चौहान हैं, जिस पर पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि जब पीड़ित ने बीजेपी नेता की शिकायत पुलिस से की तो पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि शिकायत वापस लेने का दबाव बनाने लगी। ये आदमी कौन है? ये आदमी एक ऐसा आदमी है जिसके ऊपर इतने सारे मुकदमे हैं उस एरिया के अंदर। 2007 से इनके ऊपर मुकदमे हो रहे हैं। तरीके के कई सारे मोलेस्टेशन के, मारपीट के, चाकूबाजी के इनके ऊपर मुकदमे हैं, और इस तरीके के आदमी के खिलाफ भी एक बुजुर्ग 60-70 साल का बुजुर्ग अगर जाता है तो पुलिस का ये हाल है कि पुलिस कुछ नहीं कर रही है। पुलिस के FIR के मुताबिक मारपीट की घटना बीते 19 अगस्त की है, जिसमें लिखा है कि एक CCTV कैमरे में साफ दिख रहा है कि बुजुर्ग के साथ एक व्यक्ति अपने साथी के साथ मिलकर मारपीट कर रहा है। पर आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीते 16 सितंबर को पीड़ित की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई। रहस्यमय परिस्थितियों में मौत होने के बावजूद पुलिस ने मृतक संतोष कुमार का पोस्टमार्टम नहीं करवाया। आम आदमी पार्टी का कहना है कि संतोष कुमार ने मारपीट के बाद अपना एक वीडियो बनाया था, जिसमें उसने बताया था कि किस से उसकी जान को खतरा है। शनिवार की दिन मैं मंदिर से अपने घर आया 10 बजे लगभग, और मैं अपने वहाँ रोड पर जान लगा था तो दीवार से मिला करके स्कूटर खड़ा करके उसके चक्की के पीछे खड़ा हो गया। एक आदमी आया जिसका ना मैं नाम जानता हूँ ना पता जानता, तब तक हमें नहीं मालूम था। उसके बाद वो आया, वो गाली देने लगा। मैंने कहा तुम अपने माँ बाप से ऐसे बात करते हो? फिर उसने मुझे मारना शुरू कर दिया। अपने बचाव में मैंने एक हेलमेट मेरे हाथ में था, तो मैंने उसके तरफ हेलमेट लगाया, उसने हेलमेट छीन के मुझे मारना शुरू कर दिया। उसके बाद एक लड़का आया, कुछ लोग भी बचाव करते रहे और उसने किसी की बात नहीं मानी। तो एक लड़का आया, मैरून कैसी कमीज पहनी है, उसने मुझे मारा और मेरी मुझे ले गया कि लास्ट में मारता रहा। कहने को तो कानून सबको एक नज़र से देखता है, पर हकीकत में कानून रसूख को ध्यान में रखकर इंसान को देखता है। अनिल कुमार सिंह, टोटल न्यूज़, दिल्ली।